अगर इस दौरान मेरी मौत हो गई तो मैंने कमिश्नर साहब को भी लिखा है कि मुझे उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। आपने और जब मैंने जगह मांगी थी नया नगर में, उन्होंने इधर जगह दी, तो मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है। मैं आरक्षण से मर गया, उपोषण से मर गया, ओके, लेकिन उस बीच में अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है, ये जिम्मेदारी सीधा सीधा आयुक्त साहब की है। अब ये आंदोलन हमने आमरण अनशन पे बैठा हूँ मैं, मेरी मांग है कि जो दफन भूमि आरक्षित दफन भूमि है 353A एंड 122D, वो दोनों को विकसित करके दिया जाए, क्योंकि हमारी आबादी इतना बढ़ चुकी है, जो कब्रिस्तान है उसके अंदर जगह कम पड़ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के ऊपर की आबादी है, और हालत ऐसी आई कि दफन भूमि में 6 से 8 महीने में कब्र को खोलना पड़ रहा है, जिसमें कच्ची बॉडी निकल रही है। ये मुद्दा देखो, क्या मुर्दे आकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे? और इसके ऊपर सबको सोचना चाहिए, दफन भूमि कोई राजकारण नहीं हो, सब लोग मिलकर अगर वो शमशान है उसके लिए भी शहर की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी उसको डेवलप करना चाहिए। मेरा कदम ये लास्ट कदम पे ही आया हूँ मैं, इससे पहले मांग करते हुए हमने आंदोलन भी किया, चेतावनी दी, बहुत सारा पत्र व्यवहार किया, और आज वो स्टेज पे आया हूँ आमरण अनशन। इसके आगे तो कोई स्टेज होता ही नहीं है, और ये अनशन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मांग पूरी नहीं हो, और अगर इस दौरान मेरी मौत हो गई तो मैंने कमिश्नर साहब को भी लिखा है कि मुझे उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। आपने कर रहे हैं, देखिए मैंने बोला था कि इससे पहले जब मैं एक आंदोलन किया था महानगर पालिका में, तो इनडायरेक्टली मुझे कुछ थ्रेटनिंग आई थी, लेकिन मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता था क्योंकि शहर का माहौल ख़राब होगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नया नगर के अंदर अपने लोगों के पीछे बैठने दो, हो सकता है सेंसिटिव मुद्दा लोग बना रहे हैं, कुछ हो सकता है, मेरी सेफ्टी का सवाल है। लेकिन महानगर पालिका ने मुझे उधर सीधा रिजेक्ट कर दिया मेरे एप्लीकेशन को, कि जो ठहराव पास हुआ है आपको सुभाष चंद्र बोस मैदान के सामने 50 मीटर की दूरी पे ही बैठना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इधर आया हूँ और इधर बैठा हूँ। आप देख लो यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी सेफ्टी है, कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको। सीधी सी बात है, महानगर पालिका जिम्मेदार, आयुक्त जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर वो जो दफन भूमि का आरक्षण है उसके ऊपर काम करते तो शायद मैं आंदोलन नहीं करता। और जब मैंने जगह मांगी थी नया नगर में, उन्होंने इधर जगह दी, तो मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है। मैं आरक्षण से मर गया, उपोषण से मर गया, ओके, लेकिन उस बीच में अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है, ये जिम्मेदारी सीधा सीधा आयुक्त साहब की है।